अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हसीब अंजुम दुबई से। काफ़ी दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं क्या ICA के अप्रूवल के मतलब कि अब उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी 7 जुलाई से। वो बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूं कि ये बात 100% करेक्ट है, अथेंटिक है, सच है या झूठ है, और ये किस ज़राए से मालूम हुआ है, ये पूरी बातें मैं सबको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि काफ़ी दोस्तों के मुझे मैसेज आ रहे हैं UAE के मतलब, स्पेशली जो ICA का अप्रूवल है और GDRFA की तरफ से अप्रूवल, तो मैं आप लोगों को दो चीज़ें क्लियर करता चलूं कि ICA का अप्रूवल दुबई को छोड़ के बाकी जितनी भी स्टेट हैं UAE की उनके मतलब है। जितने भी दूसरी स्टेट अजमान, शारजा, उमुल क्वीन, रस अल खैमा, फुजैरा या फिर अबूजबी, जितने भी उस स्टेट के वीज़े इशू हुए हैं वहाँ उस स्टेट में से, उनके लिए है ICA का अप्रूवल। अगर आपका दुबई का वीज़ा है तो आपको चाहिए है GDRFA का अप्रूवल। जैसा कि खबरें रोटेट कर रही हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे और कहा जाए तो यूट्यूबर्स ज़्यादा इस बात को शेयर कर रहे हैं कि 7 जुलाई से जो ICA का अप्रूवल है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एमरेट्स एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं। तो इस बात की कोई भी अथेंटिक दलील नहीं है कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। हाँ, ये न्यूज़ उसको ये बात को बतंगड़ बना के पेश किया जा रहा है कि 7 जुलाई से जो लोग एमरेट्स का टिकट लेंगे उनको ICA की ज़रूरत नहीं होगी, अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसी कोई खबर अथेंटिक ज़राए से मतलब कंफर्म नहीं की गई है। अगर ऐसी कोई होती तो गल्फ़ न्यूज़, अरब न्यूज़ या फिर नेशनल न्यूज़ पे या फिर क्लिक टाइम पे ज़रूर आती। ऐसा भी कोई भी खबर के मतलब ऐसी कोई भी जो कहते हैं सबूत वाली चीज़ नहीं है। ये उन लोगों ने जस्ट UAE की गवर्नमेंट ने जो विज़िटर को जो है वेलकम करने का कहा था कि 7 जुलाई से हम लोग विज़िटर टूरिस्ट को हम लोग अलाउ करेंगे, उनको वेलकम करेंगे, लेकिन उन्होंने ये फिनोमेना नहीं बताया कि किस तरीके से उन लोगों की एंट्री होगी, स्पेशली विज़िटर या टूरिस्ट वगैरह की। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर आप एमरेट्स का टिकट लेते हैं तो आप लोगों को ICA अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, इतना हो सकता है आने वाले दिन में कि आप लोगों को शायद वापस आने के लिए सिर्फ COVID-19 का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होगी, और UAE की अथॉराइज जो लेबॉरेटरी होंगी डिफरेंट कंट्रीज़ में, चाहे वो पाकिस्तान में, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या इंडिया या कहीं किसी भी कंट्री में, अगर UAE की अथॉराइज लेबॉरेटरी होंगी, जैसे पाकिस्तान में चुगताई लैब है, अथॉराइज किया गया है उसको, पहले नहीं था, अथॉराइज नहीं किया गया था, लेकिन ये तरीका जो एक आइडिया देने वाले पाकिस्तानी खुद थे चुगताई लैब वाले, और स्पेशली हमारे जो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल जिन लोगों ने मतलब प्रमोट करने के लिए चुगताई के बिज़नेस को, उन्होंने पहले खुद खबर चलाई चुगताई की बात लेके UAE की गवर्नमेंट तक लेके आए, फिर UAE की गवर्नमेंट ने कहा जी ठीक है चुगताई वालों का हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि इस बात की मैंने पहले कंफर्म की थी एमरेट्स एयरलाइन से, तो एमरेट्स एयरलाइन ने डिनाई कर दिया था कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें किसी मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में उन लोगों ने कहा जी नहीं, हम लोगों को चाहिए है रिपोर्ट। तो कुछ चीज़ें हमारा मीडिया खुद लेके आता है, फिर रास्ते बताता है इस तरह से करें। इसमें जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जिनके पास अच्छी जॉब है उन लोगों का नुकसान नहीं होता, स्पेशली अगर कहा जाए तो लेबर के लिए इतने पैसे इकट्ठे करना और फैमिली वालों के लिए एक मुश्किल काम है। अगर 10,000 में एक बंदे का टेस्ट होता है COVID-19 का, उसकी रिपोर्ट आती है 9,000 से 10,000 रुपये में, तो अगर उसके फैमिली के लोग हैं 10 लोग हैं तो आप सोचें 1,00,000 उसका चला गया। इसी तरह बात हो रही थी जो है ICA अप्रूवल और GDRFA की। GDRFA की दुबई वाले अप्रूवल दे रहे हैं नॉर्मली, अभी दुबई का जो अप्रूवल है, और अगर आपका एक बार रिजेक्ट होता है GDRFA का तो 5 दिन तक आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन, और फिर आप 5 दिन के बाद अप्लाई करेंगे, चांसेस बढ़ गए हैं। नॉर्मली लोगों का पहले जो ऑफिशियल जॉब करते थे उनका एंट्री परमिट का अप्रूवल आ जाता था GDRFA का, अब नॉर्मली जो लेबर लोग हैं, कारपेंटर हैं या स्टील फिक्सर हैं, इस तरह के लोगों के भी अप्रूवल आना शुरू हो गए हैं। पहले एप्लीकेशन का बटन ज़्यादा होता था, अभी अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो 5 डेज तक अप्लाई नहीं कर सकते। जब अप्लाई करते हैं तो बहुत लोगों के एंट्री अप्रूवल आ जाते हैं, ड्राइवर का वीज़ा भी है तो शटरिंग कारपेंटर का वीज़ा है तब भी अप्रूवल आ जाते हैं। सो डोंट वरी अबाउट द प्रोफेशन, इंशाल्लाह आप लोगों को अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन बात जहाँ तक थी एंट्री अप्रूवल की ICA की, तो अभी तक लिंक काम कर रहा है, प्रूफ ऑफ किनशिप मांग रहे हैं उस पर एंट्री अप्रूवल के लिए ICA की वेबसाइट पे। ये कोई भी अथेंटिक बात नहीं है, 100% श्योरिटी किसी के पास नहीं है, ना किसी के पास कोई प्रूफ है,
कुछ यूट्यूबर्स हैं जो शायद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और यूएई में भी नहीं हैं, वो ये खबर चला रहे हैं, एक के कान से सुनी और दूसरे के कान तक पहुंचा दी, ठीक है, यहाँ से बात वहाँ तक पहुँचती है। इसकी कोई भी ऑथेंटिक दलील नहीं है कि कौन सी न्यूज़ पे अनाउंस हुआ है, किस जो डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है या एमिरेट्स एयरलाइन ने अनाउंस किया है। अगर एमिरेट्स एयरलाइन कुछ भी अनाउंस करती है तो उनकी वेबसाइट पर हर वक्त उनकी वेबसाइट हर 5 मिनट के बाद अपडेट होती रहती है। इस तरह की कोई भी न्यूज़ शेयर नहीं की है, सो डोंट थिंक अबाउट सच थिंग्स। आप लोगों को जब भी इस तरह की अपडेट्स होगी तो आप अगर खुद नहीं चेक कर सकते तो जस्ट किसी दोस्त को बुला करें, वो आपको सर्च करके देगा गूगल से, गल्फ न्यूज़ लिखें आपके पास डिटेल्स आ जाएगी, लेटेस्ट पे क्लिक करें तो आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसी तरह गल्फ न्यूज़ भी है और क्लिक टाइम भी है और नेशनल है, ये 3 न्यूज़पेपर हैं जो यूएई के हैं, तो इन तीनों को विज़िट खुद कर लें। अगर आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं तो किसी अच्छे बंदे की यूट्यूब चैनल की वीडियो देख लें, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। अगर इस तरह की कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को अपने चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगा, और मेरे चैनल को लाइक करें वीडियोज़ को और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएँ। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका लिए मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।